डिवीजन ऑफ अनसाइन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। इस वीडियो लेसन में हम अनसाइन नंबर का डिवीजन कैसे होता है, इससे पहले वाला जितना सारा वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करवाए थे उसमें ज़्यादातर नहीं सभी हम पॉजिटिव नंबर से एग्जाम्पल दे के प्रोग्राम किए थे। तो इस वीडियो में भी पॉजिटिव नंबर का डिवीजन हम देखेंगे, वो कैसे होता है और डिवीजन कहाँ यूज़ होता है और डिवीज़न हम करते क्यों हैं। इसके बाद कोई वीडियो में हम फिर साइन नंबर का डिवीज़न दिखाएंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी लर्न डिवीज़न इन असेंबली। असेंबली में डिवीज़न का प्रोग्राम हम क्यों करेंगे, असेंबली में डिवीज़न हम क्यों सीखेंगे, ये पहले समझ लीजिए। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कंप्यूटर में कोई भी डेटा अगर इनपुट देते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड से कोई टाइप किए हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर ऑलवेज एक्सेप्ट करता है 0-1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी डेटा के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो कभी आप सोचे हैं कि कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं या कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ये 0-1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेता है। कंप्यूटर करता है कि आपका जो दिया हुआ इनपुट है वो असेंबलर आपका इनपुट को डिवीजन को यूज़ करके आपका इनपुट दिया हुआ डेटा को बाइनरी में या 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ये डेसिमल डेटा हो या कुछ और हो, असेंबलर क्या करता है, बैकग्राउंड में आपका डेटा को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये डिवीजन को यूज़ करके। और एक फ़ायदा है असेंबली लैंग्वेज में, स्पेशली प्रिंट डेसिमल टू मेनी बिट्स। आप नोटिस किए हैं कि नहीं, अगर कोई रजिस्टर में कुछ डेटा भेजते हैं जो एक बिट से ज़्यादा है, उसको प्रिंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मूव बीएल कॉमा 16 या मूव सीएल कॉमा 28, ये सब डेटा को अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो नॉर्मली सीधा सीधे प्रिंट नहीं होगा। तो ये सब प्रिंटिंग के टाइम में हम डिवीजन के यूज़ करते हैं, और डिवीजन का खुद का जो प्रोग्राम है वो सब यूज़ होता है, जैसे कि ऑड इवन नंबर हो या डिवीजन का कोई कैलकुलेशन का प्रोग्राम हो, इन सब के लिए डिवीजन यूज़ होता है। इसके बाद आता है हाउ टू परफॉर्म डिवीजन इन असेंबली। डिवीजन कैसे किया जाता है, मान लीजिए ये 26 डिवाइडेड 5 है, इसको आप डिविडेंड कहते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड होता है उसको डिविजर कहते हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो फिर कंपलसरी है ये डिवीजन करने के लिए दो रजिस्टर का ज़रूरत है हम लोगों को, एक डिविडेंड के लिए एक डिविजर के लिए। एक डिविडेंड जो डिविडेंड रजिस्टर है उससे डिविजर रजिस्टर को डिवाइड कर देंगे, तो दो रजिस्टर कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड ऑलवेज AX रजिस्टर होगा, ये आपका दिमाग में घुसा लीजिए एकदम, डिविडेंड ऑलवेज बाय डिफॉल्ट AX रजिस्टर होता है, ये दूसरा कोई रजिस्टर नहीं होता है। AX रजिस्टर कोई अगर आपको डिवीजन का प्रोग्राम करना होगा तो डिविडेंड को AX रजिस्टर में ही भेजना होगा, किसी और रजिस्टर में भेजने से आपका डिवीजन का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट AX रजिस्टर ही डिविडेंड है, और डिविजर बाय डिफॉल्ट AX रजिस्टर ही डिविडेंड है, और डिविजर BL, CL, DL कुछ भी कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे AX रजिस्टर है 16 बिट और यहाँ पे BL, CL, DL रजिस्टर है 8 बिट। तो यहाँ पे क्या है, 8 बिट का जो रजिस्टर जो डिविजर है वो ऑलवेज डिविडेंड से छोटा होगा, मतलब डिविडेंड ऑलवेज डिविजर से बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज डिविजर से डिविडेंड बड़ा होना चाहिए, ये असेंबली लैंग्वेज में डिवीजन का प्रोग्राम करने के लिए। तो अगर कोई रजिस्टर में आप मान लीजिए डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन करने के लिए डिविडेंड को आप एक रजिस्टर में भेज दिया, उसके बाद डिविजर को बीएल रजिस्टर में, बीएल रजिस्टर या सीएल रजिस्टर, डीएल रजिस्टर, कुछ भी रजिस्टर में आप डिविजर को भेज दिया, उसके बाद डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कंपलसरी कोई कमेंड होगा, कोई सिंटैक्स होगा,
तो उसको पहले जान लीजिए। सिंटैक्स ये है कि पहले डिव उसके बाद डिविजर, पहले डिविडेंड को आप एक रजिस्टर में भेज दीजिए, उसके बाद डिविजर को कोई भी एक रजिस्टर में भेज दीजिए, उसके बाद सिंटैक्स होगा डिव उसके बाद डिविजर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिव स्पेस बीएल। ये डिव स्पेस बीएल करने से क्या होगा, एक रजिस्टर में जो डिविडेंड पड़ा हुआ है वो बीएल से डिवाइड हो जाएगा, ये जो रजिस्टर है ये बीएल से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमको प्रिंट करना है। तो वो कैसे प्रिंट होगा, उसको प्रिंट करने के लिए मान लीजिए ये जो डिवीजन का हम कर रहे हैं 26 से 5 को डिवीजन कर रहे हैं, तो 5 ज़ा 25, ये कोसेंट आ गया या रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे दो आउटपुट आया है, एक कोसेंट आया है एक रिमाइंडर आया है। तो दो आउटपुट को हम कैसे प्रिंट करें, क्वेश्चन के कैसे प्रिंट करें, रिमाइंडर को कैसे प्रिंट करें, आसान है। मान लीजिए एक्स को आप बीएल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा एच जहां पे रिमाइंडर स्टोर होता है और एएल जहां पे क्वेश्चन स्टोर होता है। एक्स रजिस्टर का जो दो पार्ट है एच और एएल, एच में रिमाइंडर स्टोर होता है, एएल में क्वेश्चन स्टोर होता है। तो यहां पे क्या स्टोर होगा, 1 एच में 1 और यहां पे क्या स्टोर होगा, एएल में 5, फाइल में क्वेश्चन स्टोर होता है तो यहां पे 5 स्टोर होगा। तो ये कंपलसरी है कि ये दोनों रजिस्टर में आपका आउटपुट आ गया, एच में 1 एएल में 5, इन दोनों को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए दूसरा कोई रजिस्टर में लेके जाना है, तो मूव सीएल कॉमा एएल कर दिया और मूव सी एच कॉमा एच कर दिया, एएल को सीएल में ट्रांसफर कर दिया और एच को सी एच में मूव कर दिया। अभी इन दोनों को सीएल और सी एच को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, मूव सीएल, मूव डीएल कॉमा सीएल, सीएल को डीएल रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। प्रिंट करने के लिए ऑलवेज डीएल या डीएक्स, 16 बिट होता है तो डीएक्स रजिस्टर और 8 बिट होता है तो डीएल रजिस्टर में मूव करना पड़ता है। तो सीएल को डीएल में मूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ये मूव नहीं होगा, ये ऐड होगा, इसको अब रेक्टिफाई करके ऐड कर लेना। यहाँ पे अब प्रिंट करने के लिए हमको ASCII, हमको जो डेटा हम भेजे हैं वो नॉर्मली ASCII फॉर्म में जाता है, तो ASCII फॉर्म में नंबर को प्रिंट करने के लिए 48 को ऐड करना होता है। तो 48 को हम DL में ऐड कर देंगे, ये ऐड होगा, ये बार बार बोल देता हूँ, ये ऐड होगा। उसके बाद मूव एज कॉमा 2 करने से ये DL प्रिंट हो जाएगा और INT 21H कॉल कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। उसके ऐसे ही मूव DL कॉमा CH कर देंगे और ऐड कर देंगे 48 को और मूव एज कॉमा 2 कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका question.reminder दोनों प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव एज कॉमा 4CH और INT 21H कॉल करना पड़ेगा। तो ये तो गया 8 बीट के लिए। अगर मान लीजिए ये डिविजर जो है आपका 16 बीट होता तो क्या होता, मान लीजिए डिविजर आपका BX रजिस्टर में स्टोर है या CX रजिस्टर में स्टोर है या DX रजिस्टर में स्टोर है तो क्या होगा। मैं बोले थे कि डिविडेंड ऑलवेज ग्रेटर होगा डिविजर से। तो इस टाइम में, इस सिचुएशन में AX और DX रजिस्टर एक साथ यूज होगा, AX और DX रजिस्टर एक साथ यूज होता है नॉर्मली 16 बिट डिवीजन के प्रोग्राम के टाइम में। अगर मान लीजिए डीएक्स, बीएक्स, सीएक्स और डीएक्स में आपका डिविजर स्टोर है तो प्रोग्राम कैसा परफॉर्म करेगा वो जरा देख लीजिए। मान लीजिए एक्स और डीएक्स एक साथ में 16 बिट डिवीजन में एक साथ में काम करता है, तो इसको ऐसे डिवीजन हम करते हैं तो एक्स और डीएक्स को बीएक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो DX और AX में रहेगा, DX में रहेगा रिमाइंडर और AX में रहेगा क्वेश्चंस। तो ये जब प्रोग्राम करेंगे तो कैसे होगा, पहले डॉट डेटा में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि क्वेश्चन के लिए और DW डेटा साइज दे दिया और यहाँ पे अनसाइन कर दिया और यहाँ पे रिमाइंडर के लिए RE एक वेरिएबल ले लिया और डेटा साइज दे दिया DW और यहाँ पे अनसाइन कर दिया।
तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको अगर पता नहीं तो मेरा पुराना वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और उसके बाद डॉट कोड में उसके बाद मेन प्रॉक करके कोडिंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद मूव एक्स कॉमा एट द रेट डेटा और मूव डी एक्स कॉमा ए एक्स, ये करने से क्या होता है डेटा पार्ट का हर एक वेरिएबल को आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं बहुत बार पुराना वीडियो में बोल चुका हूँ, वो वाला वीडियो देख लेंगे तो ये दो इंस्ट्रक्शन का आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन फोकस हम लोगों का यहाँ पे डिवीजन का है, तो वहाँ पे फोकस कर लेते हैं। तो डिवीजन के लिए डिविडेंड को हम एक्स रजिस्टर में भेज दिया 16 बिट का प्रोग्राम के टाइम में, हम फिर हमको डीएक्स रजिस्टर को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब डिवीजन करेंगे कोई भी डिविजर से वो 16 बिट का रजिस्टर होगा, वो जाके आपका जो इकट्ठा जो रजिस्टर काम करते हैं डीएक्स एक्स उसमें जाके वो डिवीजन परफॉर्म करेगा। तो पहले हम डीएक्स रजिस्टर अगर जीरो नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट जो आएगा वो गलत आ सकता है। इसके लिए डीएक्स रजिस्टर जो है उसको पहले खाली करना पड़ेगा, और एक्स रजिस्टर में आपका वैल्यू रख दीजिए। रखने के बाद मूव बी एक्स कॉमा फाइव जो हमारा डिविजर है वहाँ पे एक रजिस्टर में डिविजर रख दिया, बी एक्स रजिस्टर में मान लीजिए 5 रख दिया। उसके बाद डिवीजन करना है हमको, तो डिवीजन करने के लिए क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे डिव बी एक्स। डिव बी एक्स करने से क्या होगा, डिव बी एक्स करने से क्या होगा, एक्स में जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो बी एक्स से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके क्या होगा, क्या आएगा आउटपुट, एक रिमाइंडर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। रिमाइंडर जाके स्टोर होगा डी एक्स में और क्वेश्चन जाके स्टोर होगा ए एक्स में। तो इन दोनों को प्रिंट करने के लिए हमको जो अनसाइन किया हुआ वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें ले जाना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मूव क्वेश्चन को मूव करेंगे, क्वेश्चन कहाँ पे स्टोर किया हुआ है ए एक्स में, तो मूव क्यू यू जो वेरिएबल है उसमें हम ए एक्स को मूव कर दिया। और मूव आर डी, आर डी बोल के जो रिमाइंडर के लिए जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया उसमें डी एक्स मूव कर दिया, क्योंकि डी एक्स में रिमाइंडर स्टोर हुआ है। अभी इन दोनों को हम प्रिंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, मूव डी एक्स कॉमा क्यू यू जो क्वेश्चन के लिए है, जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टोर किया हुआ वो डी एक्स में भेज दिया। उसके बाद 48 ऐड कर दिया एस की वैल्यू का एडजस्टमेंट के लिए, और उसके बाद इसको प्रिंट कर लिया मूव एज कॉमा टू सर्विस रूटीन से, और इंटरप्ट कॉल कर दिया जाके प्रिंट कर लो। ऐसे ही मूव डी एक्स कॉमा आर डी कर दिया रिमाइंडर, और डी एक्स में 48 ऐड कर दिया एस की वैल्यू से नंबर प्रिंट करने के लिए, और मूव एज कॉमा टू से प्रिंट कर लिया INT21 एज कॉल कर दिया, और मूव एज कॉमा फोर सी एज से हम प्रोग्राम में वापस चले आए। तो बहुत आसान सा प्रोग्राम था, आई होप कि ये वीडियो लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।